नमस्कार, मैं हूं राजेश राज मरकाम। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय जोहार। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। कल मैं एक खबर पढ़ा था अखबार में, हादसों का कर रहा है इंतजार प्रशासन। मैं खबर विस्तार से बताना चाहूँगा। डिंडोरी बजाज की खबर है। बजाज मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी में कोसुंदीह के पास पुलिया पर लगभग 1.5 से 2 फीट गहरे गड्ढे हो चुके हैं। बारिश के समय पर इन गड्ढों पर पानी भर जाता है और राहगीरों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर मोटरसाइकिल चालक दुर्घटनाग्रस्त होने जा रहे हैं, बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है। शीघ्र ही प्रशासन इस पुलिया में सुधार कार्य नहीं करती है तो पुलिया क्षतिग्रस्त होकर ध्वस्त हो जाएगा, जिससे आवागमन अवरुद्ध हो जाएगा एवं आए दिन लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं तो बड़ी घटना होना तय है। ऐसा ये मैंने खबर पे पढ़ा था। और जाहिर सी बात है, आज सुबह हम जब कोसुमटी ग्राम में आए, हम अपने गृह निवास से लगभग सुबह 4:30 बजे निकले थे और कुसुमडी पहुंचते तक हमको 5 बज गया था। 5 बजे हम जब यहाँ पहुँचे, जो खबर हमने अखबार में पढ़ा था, उस जगह पर जब आकर के देखे तो वाकई काफ़ी गड्ढा था। शायद आपको अगर दिख रहा होगा वीडियो में तो देख सकते हैं। हम अपने ग्रुप के साथ में आए, मेरे ग्रुप में मिस्टर बालमुकुंद ध्रुवे हैं जो मेरे सहयोगी हैं, और ये हमारे असिस्टेंट, हमारे फर्म के असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर अनिल आर्मो जी, और ये हमारे विशेष सहयोगी मिस्टर नर्मदा कात्रे जी, और ये हैं हमारे और सहयोगी श्रीमान अर्जुन जी ध्रुवे जी, और फिर एक और हमारे विशेष, जिनका इस आज की मुहिम में विशेष योगदान रहा है, ये हैं मिस्टर दुर्गेश सारथी जी। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा मित्रों कि जैसा जो मैंने अखबार में पढ़ा था, उस जगह पे जब हम लोग आकर के देखे तो वाकई में 1.5 से 2 फीट की गहरी गड्ढा थी। और यहाँ जब स्थानीय लोगों से हमने जानकारी लेने की कोशिश की, ये जो प्रत्यक्षदर्शी हुआ करते थे इस जगह के आसपास के जो लोग हैं, उनसे जब हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि इस गड्ढे से एक की जान भी जा चुकी है अब तक, और फिर कम से कम नहीं तो दर्जन भर लोग इस घटना से, इस गड्ढे से दुर्घटनाग्रस्त होकर के घायल हो गए हैं। तो हम अपने सभी टीमों के साथ में आए और फिर इस गड्ढा की पूरी मरम्मत किए हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, इसमें हम लोग 100 से 150 तसला मुरुम डाले हैं, पत्थर डाले हैं, गिट्टी डाले हैं, तब जा कर के ये लेवल पे आ पाया है। मैं आप सभी से यह गुजारिश करना चाहूँगा, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने आसपास जो त्रुटियाँ हैं या जो कमियाँ हैं, तो ऐसे कमियों के लिए, ऐसे समस्याओं के लिए हमें हमेशा जो है शासन प्रशासन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंसानियत में इंसान होने के नाते अपना भी फर्ज बनता है कम से कम कि जो हमारे नज़रों में दिख रहा है या जो हम कर सकते हैं, उन कमियों को दूर करने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। मेरा एक छोटा सा प्रयास था और हम अपनी पूरी टीम के साथ में आए और इसी विचार के साथ में इस जगह की गड्ढों की भरपाई किए हैं, और फिर जहां तक आप देख पा रहे हैं कि एक चलने लायक स्थिति में बन गया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मार्ग है, ये जो रास्ता है, इससे जिन लोगों का आना जाना होता है वो अंतर्राज्यीय होता है। ये जो मार्ग जिसकी मरम्मत आज हमने किया है, ये नेशनल हाईवे 9 है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली रास्ता है। ना ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही नहीं, ये इस रास्ते से उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लोगों का आना जाना होता है। हैवी वाहनें चलती है, और यही मैं अपेक्षा करूँगा, जब कभी भी आपके आसपास ऐसी कुछ कमियाँ दिखें, ऐसी कोई समस्याएँ दिखें, तो हमेशा आप शासन प्रशासन पर निर्भर ना रहें। अपना आपका भी फर्ज बनता है कि जिस रूट से आप गुजरते हैं, जिस रूट से आपका हमेशा आना जाना होता है, उस जगह पे अगर कोई कमी दिखे तो उसकी भरपाई आप स्वयं से करने की कोशिश करें। क्या भरोसा कि उस रूट या उस जगह को हम देख कर भी नज़रअंदाज कर दें और उस रूट से अगले दिन अपना ही कोई गुजरे और उस दुर्घटना का शिकार हो जाए और इस दुनिया से वो चल बसे। इसलिए मैं यही आप सभी से निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए आप सभी शासन प्रशासन पर निर्भर ना होकर के खुद से करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं अपने शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।